वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में MySQL क्या है, MySQL में कितने तरह के कमांड यूज होते हैं, कौन कौन से कमांड यूज होते हैं, मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल बताया था क्लास में। मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज दिखाएंगे कि MySQL कैसे स्टार्ट करते हैं और MySQL में कैसे हम लोग कोई टेबल बनाते हैं। तो इस MySQL को स्टार्ट करने के लिए, MySQL में टेबल बनाने के लिए आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में पहले से MySQL इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में MySQL इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले इंस्टॉल कर लेंगे, फिर इस प्रैक्टिकल को करेंगे। तो आइए देखते हैं MySQL में हम लोग कैसे टेबल बनाते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, स्टार्ट में जाएंगे और स्टार्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल है वो सभी प्रोग्राम यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे MySQL मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे MySQL, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद MySQL कमांड लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे MySQL कमांड लाइन पे क्लिक करेंगे आपका ये स्क्रीन MySQL खुल जाएगा। यह एक कमांड यूजर सॉफ्टवेयर है, इसमें हम सभी काम कमांड के थ्रू ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो जब आप अपने कंप्यूटर में MySQL इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपसे मांगेगा कि MySQL ओपन करने के लिए आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो जो वहाँ पे इंस्टॉलिंग के टाइम आप पासवर्ड दिए रहेंगे वही पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे। चूँकि मैंने अपने MySQL में कोई पासवर्ड नहीं लगाया है, इसलिए हम यहाँ पे इंटर की प्रेस करेंगे। जब इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखिए ये MySQL प्रॉम्प्ट आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि MySQL हमारे कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया। अब हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना होता है और डेटाबेस बनाने के बाद ही हम टेबल बना सकते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप लोग को थ्योरी क्लास में मैंने कमांड पढ़ाया था क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे हमने टाइप किया क्रिएट डाटाबेस। उसके बाद हम लोग को कौन सा डाटाबेस बनाना है वो डाटाबेस का हम लोग नाम देंगे। डेटाबेस के नाम कुछ भी हो सकता है बट मीनिंगफुल होना चाहिए। तो जैसे हमने क्रिएट डेटाबेस DAB नाम से एक डेटाबेस तैयार किया और उसके बाद हम लोग सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर देते हैं। देखिए यहाँ दिया क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंप्यूटर में मेरा DAB नाम का डेटाबेस बन गया। अब हम इस डेटाबेस को कैसे देखेंगे उसका कमांड हमें पता होना चाहिए। तो डेटाबेस के लिस्ट देखने के लिए हमारे पास कमांड है शो डेटाबेसेस। क्या कमांड है? शो डेटाबेसेस और सेमी कोलन देंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि इस कंप्यूटर में जितने भी डेटाबेस है सबका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, जैसे कि इंफॉर्मेशन स्कीमा, DAB, MySQL और टेस्ट। इतने सारे डेटाबेस है जिसमें हम लोगों ने अभी जो है DAB नाम का डेटाबेस बनाया। वो डेटाबेस आप देख सकते हैं कैसे बनाएं। तो क्रिएट डेटाबेस DAB लेके सेमी कोलन दिया, डेटाबेस बन गया। आप भी अपने नाम से या किसी अन्य नाम से डाटाबेस बना सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है? टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी डेटाबेस को ओपन करना होता है। तो हमें किस डेटाबेस में टेबल बनाना है ये हमें डिसाइड करना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम अपने डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनाएंगे। तो मैंने अभी कौन सा डेटाबेस बनाया? DAB बनाया। तो DAB को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर हम नया टेबल बनाएंगे। तो हाउ टू ओपन डेटाबेस, डेटाबेस को कैसे ओपन करते हैं इस चीज़ को हम देखते हैं। कमांड टाइप करेंगे यूज DAB, डेटाबेस का नाम, और
इंटर की प्रेस करने के बाद, सेमी कॉलन देने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे, डेटाबेस चेंज, यानी अब आपका जो है आप अपने डेटाबेस के अंदर आ गए, यानी अब आप जो भी कमांड टाइप करेंगे वो आपके डेटाबेस के अंदर होगा, यानी सारे कमांड डीएबी के अंदर होंगे। अब हम डीएबी के अंदर मुझे एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम का, उस टेबल में कौन कौन सा फील्ड होगा, तो नेम होगा, रोल नंबर होगा और स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स होगा। इस तरह के हमें एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सा कमांड होगा, क्रिएट क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे और कौन कौन सा फील्ड होगा वो फील्ड का नाम देंगे, नेम होगा। तो अब बताना होता है कंप्यूटर का कि आप नेम में किस टाइप का वैल्यू देंगे, तो नेम में हम लोग कैरेक्टर टाइप का वैल्यू देंगे और मैक्सिमम कितना कैरेक्टर का देंगे, तो 15 कैरेक्टर का देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। फिर हम कौन कौन सा फील्ड लेना है, तो रोल नंबर लेना है। रोल नंबर कंप्यूटर को बताना होता है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, मतलब इसमें हम नंबर वैल्यू देंगे और इसका मैक्सिमम हम 3 डिजिट तक वैल्यू देंगे। उसके बाद टोटल, टोटल क्या होगा, यह भी इंटीजर होगा, इसमें भी हम नंबर वैल्यू देंगे और मैक्सिमम इसका भी 3 कैरेक्टर होगा। अब हमें कोई भी फील्ड नहीं लेना है तो हम अपने ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ आपने ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ पे बंद कर दिया। अब हमको क्या करना है कि अब हम, मेरा क्रिएट टेबल कमांड कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन देके और इंटर की प्रेस कर देंगे, तो देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया। क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, टेबल क्रिएट हो गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें अगर कोई एरर आ जाएगा तो फिर हमें दोबारा कमांड्स को टाइप करना होगा। अब आप टेबल बन गया, अब आप कैसे देखेंगे कि आपका टेबल बना या नहीं बना, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है शो टेबल्स। देखिए टेबल्स इन डीएबी, आपका टेबल्स कहाँ बना, डीएबी में बना, किस नाम से बना, स्टूडेंट नाम से बना। अब आपको चेक करना है कि इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमने कौन कौन सा फील्ड दिया है, तो उसके लिए कमांड होता है डिस्क्राइब और टेबल का नाम। देखिए आपका जो स्टूडेंट टेबल है उसमें आपने कौन सा फील्ड लिया था, नेम, रोल नंबर और टोटल, और उसका डेटा टाइप क्या था, कैर इन और ये नल, ये बाय डिफॉल्ट आपका कंप्यूटर दिखाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें क्या डालना है, इसमें हमें किसी स्टूडेंट्स का नाम डालना है, रोल नंबर डालना है और टोटल डालना है। तो आपने जैसे पिछले क्लास में आपने पढ़ा था थ्योरी में कि हम वैल्यू डालने के लिए कौन सा कमांड पढ़ते हैं, इंसर्ट इनटू, वो कमांड के थ्रू हम इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इंसर्ट लिखेंगे, इनटू किस टेबल में, अपना टेबल का नाम देंगे, तो हमें स्टूडेंट के अंदर डालना है, क्या डालना है, वैल्यू डालना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब ब्रैकेट देने के बाद पहला फील्ड याद रखेंगे कि क्या है, नेम है, तो यहाँ किसी स्टूडेंट्स का आप नाम डाल सकते हैं। दूसरा क्या है, रोल नंबर है। तीसरा क्या है, टोटल मार्क्स है, तो इसको 900 मार्क्स है। ब्रैकेट को बंद कीजिए, सेमी कॉलन दीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्वेरी वन रो इफेक्टेड, इसका मतलब आपका एक रिकॉर्ड आपके टेबल में एंट्री हो गया। अब हमें क्या करना है कि किसी दूसरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डालना है, तो आप अपने कीबोर्ड के एरो की के हेल्प से पूरे कमांड्स को अप एरो की के हेल्प से वापस ला सकते हैं। अब यहाँ आप केवल वैल्यू को चेंज कर दीजिए, रमेश के जगह हमने यहाँ पे महेश कर दिया, यानी हम दूसरा रिकॉर्ड डालने जा रहे हैं, और इसका रोल नंबर होगा 2 और इसको मार्क्स है 300। फिर इंटर की प्रेस कीजिए, यह भी चला गया।
फिर एक बार आप एरो की को प्रेस करेंगे और एक मैं तीसरा रिकॉर्ड को डालेंगे, उसका नाम हो गया गीता और गीता का रोल नंबर हो गया 3 और इसको मार्क्स हो गया 400। यानी आप देख रहे हैं जैसा कि कमांड्स में हमने कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डाला, 3 स्टूडेंट्स का, रहिवेश का, महेश का और गीता का। अब आपको देखना है ये तीनों रिकॉर्ड्स कहाँ देखना है, अपने टेबल के अंदर। यानी नाउ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल। यानी अभी आप क्या चाहते हैं, अपने स्टूडेंट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए हमें कमांड पता होना चाहिए। वो मेरा क्या कमांड है, आइए देखते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार और फ्रॉम टेबल का नाम, देखिए आपने क्या देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने कमांड लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट में हमने 3 रिकॉर्ड डाला जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू रमेश, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू महेश, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू गीता। आपके टेबल में ये तीनों रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो गया, ओके, रमेश महेश एंड गीता। यानी आज के वीडियो में आपने क्या सीखा, टेबल को कैसे बनाते हैं, डेटाबेस को कैसे बनाते हैं, डेटाबेस के लिस्ट को कैसे देखते हैं, टेबल के लिस्ट को कैसे देखते हैं, टेबल के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को कैसे देखते हैं। तो आज के क्लास में हम बस इतना ही कमांड सीखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद अगर हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप उपलब्ध है तो हम इस कमांड्स को प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगला क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। Thank you to watching my video.